know, main person who will open her his show. So that will be an honor for me, and I'm really, really grateful. ये शो के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है मैं यहीं पे आई थी फिटिंग्स के लिए. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी. एज अ फैशन शो हमने किया था उस टाइम पे, डिजिटल शो था मेरा, यू नो. ये मेरे पास आई थी और बहुत डरी हुई सहमी हुई बच्ची, यू नो, घुसी थी. एक जैसे कमसन कली होती है, घुसी थी मेरे चोर में. मेरी पर्सनैलिटी थी लाउड हो, मैं कट लगा जीवा. तो बेचारी कोने में करती, मैं इनको नहीं पहचानता था उस वक्त. उसके बाद जैसे कि मैं अपने आप को आई डोंट वांट टू प्रेज माय ओन टिल, मैं बहुत लकी रहा हूँ लोगों की लाइफ में. सो तो जब ये जो मिली, फिर इनके बारे में मेरे को पता चला, इनका स्ट्रगल मेरे को बहुत किसी मेरे कॉमन फ्रेंड ने बताया, एंड मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था. एंड देन मैंने इनके लिए नताशा सूरी को फोन किया. नताशा ने कहा कि ये अलिशा की शायद आप एजेंसी ज्वाइन की थी. उसके बाद ये मिस इंडिया जीत गई, यू नो. अब मिस इंडिया जीतने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक इन अ करियर. सो लाइक यू नो, यू कैन इमेजिन, ये मान्या आज सबका नाम बन गई है. बिकॉज यू नो, 6-7 साल ऐसे मेहनत करना करना, तो उस टाइम पे आई वाज काइंड ऑफ, यू नो, रोहित सर के लिए वॉक करना है. एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल कि चलो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ मॉडल. मैं बहुत फ्रेश थी इंडस्ट्री के लिए, तो मैंने वो वॉक किया. एंड समवेयर आई प्रॉमिस्ड कि देयर विल बी वन डे आई विल बी ओपनिंग योर शो, एंड दैट इज कमिंग थ्रू. सो इट्स काइंड ऑफ, यू नो, प्रोसेस एंड हार्ड वर्क जो आज यहाँ पे लाया. मेरे सारे फ्रेंड इस शो में मेरे को बहुत सपोर्ट करते. मान्या को मैंने फोन किया, धीरज को मैंने फोन किया, जेजी को मैंने फोन किया, दे ऑल आर सपोर्टिंग मी. मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री आज खड़ी हो गई है. लाइक आई हैव गॉट रियली 30 टॉप फीमेल मॉडल्स हु आर वॉकिंग द रैंप फॉर मी, विच 14 मेल मॉडल. और एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मैं अभी बताना चाहूंगा. और इस शो में अगर उस सरप्राइज एलिमेंट के बाद, यू नो, सबके आंख में आंसू आएगा. क्योंकि मैं सोचता हूँ हर इंसान को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है. ये हम ह्यूमंस होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ह्यूमैनिटी को. तो मैं एक जने को ला रहा हूँ इस शो में एज अ रेगुलर मॉडल. ओके, रेगुलर मॉडल, और वो उनके लिए पहला शो होगा. ओके, एंड पीपल विल नो कि मैं किसको ला रहा हूँ. तो वो सरप्राइज एलिमेंट है, तो वो हम एक सरप्राइज छोड़ देते हैं 8 तारीख के. सर, और 8 तारीख की बात करें, जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या यूज किया है, किस तरह के कलर्स हैं? कलर तो आपने बताया, बोले क्या मटेरियल यूज किया है और कहाँ पर होएगा ये? बस मैंने सारे तरह के मटेरियल यूज किए हैं इस शो में. मैंने भारतीय संस्कृति को ध्यान रख के मैंने खादी भी यूज किया है, मैंने सिल्क भी यूज किया है, मैंने नेट भी यूज किया है, मैंने शैंडली लेस भी यूज किया है, मैंने सीक्वेंस वर्क, जरदोजी, पीटा वर्क, सारा कलेक्शन है. कुल मिला के 31 फीमेल्स वॉक करेंगी एंड 14 मेल मॉडल्स वॉक करेंगे, मिक्स ऑफ ऑल कलेक्शन. ये होगा 2 ट्रंप के टेरेस पे होएगा, जो पुनीत गिडवानी और मीनाक्षी चौधरी की जगह है. उन्होंने मेरे को, प्रशांत चौधरी उनके हस्बैंड है, जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि वी वॉन्ट टू होस्ट दिस फैशन शो. एंड आप देखेंगे सब मेरे को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं. और एक मैं चैरिटी को भी इसमें मैंने इन्वॉल्व करूंगा मैं, जो हमारी अभी बात चल रही है. तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब नेकी करता हूँ तो दरे बढ़ाता हूँ. मैंने कभी इसके बारे में कभी बात नहीं करी है इसके बारे में, क्योंकि आई बिलीव इन बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन. जब आप अपने लोग को आपका काम बोलना चाहिए, ओके, तो आप देखेंगे कि मैं किस तरह का मैं कलेक्शन और किस तरह की मैं चैरिटी के साथ इन्वॉल्व हूँ. रोहित जी, काफी बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम आपको काफी टाइम से शूट करते आ रहे हैं, हम स्टोर में भी. तो शो स्टॉपर कौन रहेगा इसमें, आपने कुछ खास? अभी तो बताया, मान्या, धीरज एंड तीन एक साथ. यस, एंड तीन क्यों, एक रहता है, तीन का क्या? आप अगर आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कि रोहित जी मैं आपका फैशन शो कवर कर रहा हूँ, मैंने किस शो में आपने देखा एक शो स्टॉपर? अच्छा, तीन शो आप मेरा बता दीजिए कि जिसमें मैंने एक शो स्टॉपर यूज किया है. मेरे शो में सनी लियोनी, डैनियल विबर, सोनू सूद, सुष्मिता सेन ने वॉक किया है. मेरे शो में बॉम्बे डायल में रश्मि देसाई थी, उर्वशी रोतेला थी, देन आपके वो थे विशाल सिंह थे, और उसके बाद अभिषेक बजाज थे. उसके पहले शो में मेरे थे करण सिंह ग्रोवर, देन आई हैड अभिषेक मलिक, आई हैव पर्ल पुरी, आई हैव वन मोर गाय, विशाल सिंह अगेन एंड विद उर्मिला माटुंडकर अलोंग विद स्वाति वाधवानी. मेरे हर समय 3-4 तो होते ही है. इस शो में बिग बॉस से आपका रिश्ता रहा है, काफी अच्छी जर्नी रही है, और हर पार्टी में अक्सर आप मिलते भी हैं. तो बिग बॉस के कौन कौन आने वाले हैं इसमें, जो आपने इनवाइट किया इनको? देखिए, मेरे सीजन के तो मैंने सबको मैंने जोड़ के चलता हूँ, यू नो.
एक मैं ही ऐसा कंटेस्टेंट अपने सीजन का जो मैंने सबको जोड़ कर रखा है, यहाँ तक कि मैं जया आंटी के भी टच में हूँ, राखी सावंत की मदर, वही मेरे साइड में सीजन में थी और पहले हफ्ते में निकल गई थी। तो मैं प्रवेश राणा, कमाल भाई से मेरी कभी कभी बात होती है, वो मोस्टली दुबई में रहते हैं, तो प्रवेश से मैं टच में नहीं हूँ और मैं शर्लिन के ज्यादा टच में नहीं, बाकी मैं सबके टच में हूँ। तो पूनम अम्मा को आप देखोगे, उनका तो मेरा माँ बेटे का रिश्ता है, पूरी दुनिया जानती है, तहनाज बख्तियार, अदिति, एवरीबॉडी, सबको आप देखेंगे। एंड प्लस दूसरे सीजन के भी जो मेरे कंटेस्टेंट दोस्त हैं वो सब आएंगे। मान्य कैसा एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस का, क्या काफी कहना? खूबसूरत था, बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब गई थी मैंने एक नेचुरल ऐसे वो, मैं झांसी की रानी अकेले लड़ूंगी वो वाला मेरा जोन था, और मैंने वहां पे अपना बेस्ट किया, इट्स लाइक कभी खुशी गम, एंड बहुत अच्छा लर्निंग रहा मुझे थ्रू आउट, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। आपको लगता है कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए था, मुझे कर दिया गया, ऐसा कभी जहन में आता आपको? आई थिंक ये मेकर्स का डिसीजन था कि उनको बाहर, मतलब मैं एट द एंड क्या होता ना, आप कितना अपनी लाइफ, दिल की आवाज अंदर से कुछ नहीं, जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि नहीं नहीं मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। जब मैं नॉमिनेट हुई तो मैं कम्प्लीटली मेंटली रेडी हो गई थी कि दिस विल बी द टाइम टू गो आउट, बिकॉज मुझे पता था कि आप कितना टाइम रहते हो वो फर्क नहीं पड़ता, क्या सीखते हो ये ज्यादा मैटर करता है, और आई थिंक वो लर्निंग्स मेरी आगे, क्योंकि कोई भी शो आप, आपकी मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते, इतना मुझे पता है। तो ये मेरा था कि आगे जाके मुझे चाहे मैं 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5, कभी भी बाहर आती, मेरा ये मोटो होता कि मैं अपना बेस्ट हूँ, मेहनत करूँ, और आई थिंक लोग मान्य के नाम से और जाने, और बेशकल से पहचाने की मान्य से लोग बिग बॉस से या तो बिल्कुल जीरो बनकर आते हैं, हीरो बनकर आते हैं, तो कुछ चीजें बनाने सीख जाते हैं आप, जिसने कभी कटोरी नहीं उठाई वो बर्तन धोना सीख जाते हैं, लेट टॉयलेट बाथरूम तक साफ करना, तो आपने क्या सीखा अंदर से, खाना बनाना या कुछ चीजें ऐसी? एक्चुअली मुझे लगता है मैंने सब किया है हुआ था, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, बिकॉज मैं सिल्वर स्पून जो होता है ना फीडिंग कराते हैं वो वाली लड़की नहीं हूँ, मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो मेरे लिए बहुत आसान था, किचन देखना, बाथरूम देखना, घर देखना, मैं तो कभी कभी तुम सब छोड़ दो मैं खुद ही अकेले कर लूंगी, मुझे डर नहीं लगता। तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैं अंदर भी एज ए हीरो ही थी और बाहर भी एज ए हीरो ही आई। ये सवाल रोहित जी से पूछे तो मैं तो देखो मैं तो अभी तक बिग बॉस का खा रहा हूँ, सब मेरे को पहचानते हैं अभी तक, जबकि मैं सीजन 3 में था बिग बॉस में। वेल मैं एक बात सबसे बोल रहा हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, सब कुछ रियल है, वहाँ की एडिटिंग टीम जो बाहर बैठी है वो जीनियस बैठे हुए हैं, तो वो जिस तरह से एपिसोड बनाते हैं, ओके, सबका कैरेक्टर आता है, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, इस शो इतना, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, आपको सरकमस्टेंसेस और हालात बुरे बना देते हैं, यू नो, तो आपका गुस्सा होता है, बिग बॉस ऑल अबाउट योर ट्रू सेल्फ, अब आप अपने आप को वहां पे आप फेक नहीं रख सकते, आपकी असलियत सामने आ जाएगी, क्योंकि 24 आवर्स कैमरा में है, आपको वॉच कर रहे हैं, इतने सारे कैमराज हैं, वहां पे कोई म्यूजिक नहीं है, कोई पेन नहीं है, घड़ी नहीं है, पेपर नहीं है, आप सोचिए आप 24 घंटे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, और जो मैं अभी मान्य से डिस्कस कर रहा था, बिग बॉस में जितनी प्रॉब्लम होती है किचन और बाथरूम से ही स्टार्ट होती है, अगर आप देखा जाए खत्म भी वहीं होती है, हाँ वहीं पे खत्म होती है, तो इट्स अ, ये देखिए आपके पेशेंस लेवल का शो होता है, ये आपकी ह्यूमैनिटी के, आपके अस्तित्व को दर्शाता है ये शो, तो आई थिंक सो, पर हिंदुस्तान बहुत एंटरटेन होता है, ऑल इन ऑल हिंदुस्तान एंटरटेन होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट, एंड आई थिंक मेकर्स हमेशा डिसाइड करते हैं और जो भी करते हैं हर कंटेस्टेंट के लिए बेस्ट ही करते हैं। रोहित जी आप 3 में गए थे, 16 आ गया है, काफी टाइम हो गया इन चीजों को, ठीक है, बट एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, पहले की चीजें और काफी बदलाव आ गया बिग बॉस में, बहुत बहुत, मींस कि पहले क्या होता था कि हमको हमको अपना लग्जरी आइटम कमाना पड़ता था, ये चिकन विकन के लोग जो करते हैं, पनीर वनीर, ये लग्जरी आइटम में आता था, और सेकेंडरी इनके हमारे कपड़े नहीं आते थे, हमने एक बैग जो हम ले गए कपड़ों घर के कपड़े पहनते थे, घर के कपड़े पहनते थे, डिजाइनर कपड़े भेजते हैं अंदर, एग्जैक्टली, तो हमारे पास कोई स्टाइलिश था, हमने वो तो मैं धमाल के कपड़े पहनता था, मेरे को पैकिंग की बहुत नॉलेज है, बिकॉज आई मीन ट्रैवलिंग, हर कोई डिजाइनर नहीं आपकी तरह, आप तो नो नो नहीं, मेरे को पैकिंग का बहुत सेंस है, तो जब मैं इतने बड़े बड़े जो पहनता था, लोग कहते हैं इसने पैक कैसे किया होगा, तो मेरा तो कि मैं ये ट्रेंड हुआ था तब, ये इंस्टाग्राम इतना स्ट्रॉन्ग, फेसबुक होता था, तो वहां पे लोग कहते थे इसने पैकिंग कैसे करी होगी, यूट्यूब भी इतना नहीं था पहले, इतना नहीं स्ट्रॉन्ग था, तो क्या कहते हैं कि तो मैंने पैकिंग में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो मैंने जब पैकिंग करी तो मैंने बहुत दिमाग से किया था, और मेरे को आई हैव लर्न ड्रेपिंग, तो मैं एक कपड़े को 3 डिफरेंट स्टाइल से पहन सकता हूँ, ओके, तो वो मेरा प्लस पॉइंट था जो मेरे लिए काम आया, बट द थिंग इज हमारे पास कोई कपड़े नहीं आए थे, कोई कपड़े नहीं आते थे हमको, हमें लिमिटेड राशन भेजा जाता था, पूनम मम्मा 100-100 रोटियां बनाती थी उस वक्त,
ओके हम खुद दही जमाते थे, हम लोग खुद दही जमाते थे। तो अभी तो ये जो मैं इनका देखता हूँ इतना कुछ, मे भी डालमोट बिस्किट सब आ रहा है इनके लिए, तो सब कॉफी आ रही है सब आ रहा है। सलमान भी गुस्सा हो गया था चिकन चिकन बोलकर। उस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, देखिए ये बिग बॉस का शो है तो अच्छा सारे अभी दोस्त अंदर हैं। हर शो बिग बॉस का जो है दिन में तीन तीन कपड़े बदलते हैं लोग, डिजाइनर के कपड़े हैं। आपने अभी बोला हम घर के पहनते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा है जो सदस्य जो आपके कपड़े यूज करता है, आपके डिजाइन कपड़े यूज करता है? बिग बॉस में जी मैं हर साल भेजता हूँ, लास्ट टाइम अभी कौन है अभी आपका? मेरे को किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। मैं देखता हूँ कौन पॉपुलर हो रहा है ज्यादा, उसी को भेजते हैं। उसको भेजता हूँ उससे मेरे को टीआरपी मिलती है। तो मेरे को जैसे कि अभी जैसे कुछ जो ट्रेंड करेगा, तो मेरे को अब्दू को तैयार करना है, आई लव अब्दू। मेरे को जब अब्दू स्क्रीन पे आता है तो मेरा एकदम दिल ऐसे भर जाता है, बिकॉज आई थिंक ही इज सो नेचुरल, ही इज सो क्यूट एंड ही इज सो ब्यूटिफुल एज अ पर्सन, यू नो मींस की मेरा बस मैं अब्दू के साथ शादी कर लूं, यू नो आई डोंट माइंड बीइंग अब्दूज वाइफ। मेरे को पहली बार फीलिंग होती है कि भगवान मेरे को इतना छोटा कर दे कि मैं अब्दू की बीवी बन जाऊं, तो इतना मेरे को प्यारा लगता है, बिकॉज वो रियली उसका जो दिल है, जो उसकी मासूमियत है, इतना दिल है, ही इज सो ऑनेस्ट। और जैसे जैसे वो स्क्रीन पे आता है खुद पे एक स्माइल हम लोगों को आ जाती है कि अब्दू को नहीं दिखाया, अब्दू अगर जब वो रोता है या वो अपसेट होता है तो आई वी ऑल फील बैड। और ये मेरा ही नहीं मानना है, ये सबका मानना है, पूरे हिंदुस्तान का मानना है कि ही इज द क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट। मानना भी मानती है इस बात को, हम वो बहुत तो रह के आई उसके साथ, वो बहुत तो रह के अच्छे आई है। दोस्त थे एक्चुअली, अब्दू काफी प्यारे हैं और जैसे कभी काफी साफ थे, जब भी इनको पेरेंट्स की अपनी याद आती थी तो हम दोनों ऐसे पहले ऐसे थे कि हम बहुत अनफिल्टर्ड वे में बात करते थे, हमारे पास कोई फिल्टर नहीं रहता था। हम मेरा इंग्लिश कमजोर और उनका हिंदी कमजोर, तो टूटे हुए लैंग्वेज में हम एक दूसरे से बात करते थे। काफी खूबसूरत रहा है मेरा उनके साथ। किसके साथ ज्यादा आपकी दिल से खटपट रही है कि नहीं? ये तो सबसे लड़ी है, इसका तो मैंने देखा है, सबसे लड़ी है ये तो। तो जनरली मेरा ऐसा होता था कि मैं और अर्चना काफी लड़ते थे बट साथ में आ भी जाते थे, बट मेरा किसी से दिल से ऐसा नहीं रहा कि मैं उनसे दुश्मनी करूंगी, ये कभी मेरा नेचर रहा ही नहीं है। तो मैं झगड़ा करके वापस सामने से जाके सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि ये हीट इन द मोमेंट है, कोई ऐसे कोई टाइम आ गया जहाँ आपको लड़ना पड़ रहा है। मानना देखो आज का दिखा ना, माइंडर का जो माइंडर का बैकग्राउंड रहा है, माना की जर्नी जो रही है, यू नो, तो वो उसने बहुत स्ट्रगल लाइफ में देखा है। शी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग, शी हैज बिकम अ एंबेसडर ऑफ आवर कंट्री। तो मानना जैसी लड़कियां, तो मैं मानता हूँ कि शी इज अ एग्जाम्पल कि कोई भी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है दुनिया में, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। आपके पास अगर आपका हार्डवर्क है, परिश्रम में आप पे कॉन्फिडेंस है और आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आज मान्य जैसे मान्य ने प्रूव किया दुनिया में लोगों को, शी बिकेम अ मिस इंडिया फ्रॉम हियर टू हर जर्नी, फ्रॉम द डार्क एलीज ऑफ मुंबई टू द एस्केलेटर ऑफ पेरिस, हर जर्नी हैज बीन अ रोलर कोस्टर। सो हेड्स ऑफ टू शी इज एग्जाम्पल। आप तो मान्य की जर्नी के ऊपर किताब लिख सकते हो, बिकॉज शी इज बिकॉज मेरे को पता है कि कितना हमारी जो इंडस्ट्री में कितना लोग एक दूसरे को लुक डाउन करते हैं, कि यू नो डिस्क्रिमिनेशन है, यू नो, बट आई थिंक एक कीचड़ में ही कमल खिलता है। जो माने ने प्रूव किया है अपने आप को बहुत अच्छे से, उन्होंने कंडक्ट किया, इज्जत से गई बिग बॉस के अंदर, इज्जत से बाहर आई है और अच्छा काम भी कर रही है और अच्छी इंसान भी है, तो आई थिंक सो शी इज एन एग्जाम्पल। आपकी नजर में विनर विनर कौन होना चाहिए आपकी नजर में? आप दोनों सवाल ये बहुत जल्दी है कि हम जज करेंगे कौन विनर रहेगा, बट आई होप सारी हिंदुस्तान एक बार डिसाइड करेगी तब हमें बोले कि आई थिंक हम क्या सोचते हैं, तो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आई होप सब बहुत अच्छा। इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कौन फेवरेट है, कौन, अभी तो बिग गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या एक्सपोजर मिला के जैसे बाहर निकले, कोई ऑफर आई आपको अभी? अभी वो सारी चीजें सरप्राइज होंगी, बिकॉज अगर आपको मैं बता दूंगी तो फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, राइट? तो आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई थिंक आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेट्स फोकस ऑन शो, और शो की डिटेल्स बताइए, लाइक तो अगर एक लड़का यहाँ से खोलेगा तो एक लड़की यहाँ से खोलेगी, सो दैट कि हम लोग क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट इज अ वेरी न्यूयॉर्क फैशन वीक काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट आई एम डूइंग। ओके, डेजी क्लोज करेगी शो को एंड ऑब्वियसली यू नो वी ऑल विल एंटर टुगेदर, एंड मोर ओवर द थिंग इज दैट माय कलेक्शन इज ऑल अबाउट एज ए मैंने एज अ ह्यूमैनिटी मैंने बहुत इसको ध्यान में रखा है, बहुत कलर, ब्लैक इज द कलर ऑफ ब्लैक द फ्यूचर, तो उसको मैंने बहुत ध्यान पे रखा है।
आप देखेंगे कलेक्शन आपको अच्छा लगेगा ना, आप रिव्यूज दीजिए उसके बाद। जा जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कि गुड लक एंड आई विल बी वेरी ऑनर्ड कि मैं आपके लिए शो ओपन कर रही हूँ। इट वाज काइंड ऑफ प्रॉमिस व्हिच आई मेड इट फॉर माय सेल्फ इन द सेम रूम थैंक यू एंड फाइनली वो मुझे मिल गया कि मैं आपके शो को अब दिखाऊंगी भाई मान्या। पता है इस शो के मेरे लिए आप बिलीव नहीं करोगे, ये शो मेरे दिल के इतने क्लोज है। मैंने इतनी मुश्किल से मैंने शो 30 डेज में कपड़े बनाए और मैंने जिन जिन को फोन किया सब मेरे लिए खड़े हो गए, चाहे वो भरत डोरेस हो, चाहे वो वाबीज मेहता हो कोरियोग्राफर, चाहे वो पुकियो जो बैकस्टेज करती है, इन सब ने अपने हेक्टिक शेड्यूल खोला। दीप्ति दीप्ति कविता मृदुला सीमा शिल्पी दे ऑल आर स्टैंडिंग, माय फ्रेंड रेहान इज डूइंग द स्टैंडिंग ऑफ द शो। आई एम सो सुपर एक्साइटेड टू लॉन्च माय ब्लैक इन द फ्यूचर कलेक्शन एंड यू विल सी द क्राउड, यू विल सी द एटमोस्फेयर। और एक और सरप्राइज है जो किसी डिजाइनर ने नहीं किया है ऑन द जब आप लोग मीडिया कवर करेगा वो उस दिन आपको दिखाई देगा वेन्यू में, आप एक एक हट के चीज देखोगे। Yes, we are super excited for the final show. Yes. Thank you.